सो है व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा कमाल की थीम के बारे में, जिसके अंदर आपको लॉक स्क्रीन है जो कि एक मेन हाईलाइट है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। सो इसी थीम के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको इसी तरीके की वीडियो इसी चैनल पे देखने को मिलती रहती है। सो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर गाइज अगर हम बात करें होम स्क्रीन के बारे में, सो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 12 का जो विजेट है वो यहाँ पर देखने को मिलता है इसी थीम के अंदर। और जो आइकन पैक है वो आपको थोड़े बहुत सिमिलर देखने को मिलते हैं, लेकिन एंड्रॉइड 12 के सिमिलर पैक है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। अगर हम बात करें कंट्रोल सेंटर के बारे में, सो यहाँ पर कंट्रोल सेंटर आपको कुछ इस तरीके का दिया गया है, जिसके अंदर आपको व्हाइट कलर है वो यहाँ पर देखने को मिलता है आइकन के अंदर, तो ये भी सही है। अगर हम बात करें मेन हाईलाइट के बारे में जो कि है लॉक स्क्रीन, सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितनी ज्यादा कमाल की लग रही है। सो इसको कस्टमाइज भी आप लोग कर सकते हो, अगर आप लोग 3 डॉट पे प्रेस करते हो और यहाँ पर आप लोग इसकी जो साइज है क्लॉक की और जो स्टाइल है उसको यहाँ पर चेंज कर सकते हो। सो मुझे तो वो बड़ी वाली है यही अच्छी लगती है। और इसका अगर आप लोगों को कलर चेंज करना है, सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ब्लैक है और यहाँ पर आप लोग इसको ऊपर ले जाते ब्लू कलर है वो भी यहाँ पर सेट कर सकते हो, तो ये भी बहुत ही कमाल का लग रहा है। तो चलिए इसको सेट कर लेते हैं। और भी आपको बहुत सारी कस्टमाइजेशन है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी इसी थीम के अंदर। वैसे ब्लैक वाली ज़्यादा अच्छी लग रही थी। अगर हम बात करें इस थीम के नेम के बारे में, आपको क्या नेम देखने को मिलता है इस थीम का, सो यहाँ पर आपको थीम एप्लीकेशन है उसको यहाँ पर ओपन करना है। सो यहाँ पर गाइज आप लोगों को ये थीम है वो यहाँ पर देखने को मिलती है, जाइए इसको डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी सो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।